बावर भाई नहीं आया आपके साथ? नहीं, दरअसल मैं यहां से गुजर रही थी, सोचा मिलती भी जाऊं। अच्छा चलो आप बैठे, मम्मी को कॉल करती, बस पास में ही गई है वो। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, उनको तकलीफ मत दो। मुझे मुझे तुमसे जरूरी बात करनी थी, मैं इसलिए आई हूं। अच्छा कहिए। एक बात बताओ सुशीला, क्या तुम वाकई शानी से मोहब्बत करती हो? ये कैसा सवाल है? हाँ या ना? अगर उसके साथ जिंदगी का सफर गुजारने का फैसला किया तो ना कैसे कह सकती हूँ मैं? और अगर जिंदगी का ये सफर उसके साथ ना तय करना होता तो क्या फिर भी तुम उससे मोहब्बत करती? मेरा मतलब है, अगर तुम्हारी मंगनी ना हुई होती शानी से तो क्या फिर भी? मंगनी कैसे ना हुई होती, वो मुझसे मोहब्बत करता है। शानी की मोहब्बत से मैं अच्छी तरह से वाकिफ हूं। मैं पूछ रही हूं, क्या तुम उससे मोहब्बत करती हो? अभी साफ साफ कहिए ना, क्या कहना चाहती हैं आप? शांजे कहती है कि अगर शानी उसे ना भी मिला तो उसके दिल में शानी के लिए मोहब्बत कम नहीं होगी। तो ये कहने आई है मुझसे? नहीं, मैं तुम्हें ये बताने आई हूं कि तुमसे ज्यादा शानी पे हक शांजे का है। इसलिए बेहतर होगा कि तुम उन दोनों के दरमियान से निकल जाओ। आप ही आप मेरी इंसल्ट कर रही हैं। अगर तुम ये बात पहले समझ जाती तो आज मुझे ये बात करने की जरूरत नहीं पड़ती सजीला। शांजे के बहुत एहसानात हैं हम पे, और हम लोग नहीं चाहते कि वो तन्हा रह जाए। एक सेकेंड, तो ये बात है कि अगर मेरी शादी शानी से हो जाती है तो आप लोग के तो वजीफे शान से बंद कर देगी, है ना? अगर ऐसा हुआ सजीला तो नुकसान में तुम भी रहोगी। देखो, जो मुस्तकबिल के ख्वाब तुम सजा के बैठी हो ना शानी के साथ, अगर वो मुस्तकबिल ही नहीं रहा तो फिर शानी को भी ये बात समझ में नहीं आ रही है। लेकिन अगर शानजे उसकी जिंदगी में ना रही तो शानी के पास कुछ नहीं रहेगा। तुम भी नहीं। मैं उम्मीद करती हूं तुम मेरी बात पे गौर करोगी और मेरे भाई को अपनी फिक्रों से रिहा कर दोगी। जो मुस्तकबिल के ख्वाब तुम सजा के बैठी हो ना शानी के साथ, अगर वो मुस्तकबिल ही नहीं रहा तो फिर